आज हमारे तमाम राजनेताओं द्वारा एक ऐसा भ्रम हम लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि जैसे जो हमारी मौजूदा समस्याएं उनका कोई समाधान नहीं है, वो शाश्वत है। गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सभी बताते हैं कि इनका कोई हल हो ही नहीं सकता। ये तो समस्याएं हमेशा रहने वाली हैं। एक सरकार आती है वो बहाना बनाती है पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया, और हम लोगों को ऐसा भ्रम बिठा दिया है कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। इस भ्रम में फिर धर्माचार्यों ने बहुत बड़ा योगदान कर दिया। उनने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो कुछ भी है परलोक की तैयारी करो। वो परलोक का लालच देकर हमसे हमारा यह लोक भी छीन लेना चाहते हैं। तो हम अगर इसको बारीकी से देखें, चारों तरफ अपनी तरफ नज़र घुमा के देखें, तो हम ये पाते हैं कि ईश्वर ने हमारे आनंद का इस सृष्टि में भरपूर इंतजाम किया है। ईश्वर के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर वो कोई कमी है तो वो इसलिए कि जो ईश्वर ने हमारे लिए भेजा उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। हम मानते हैं सभी कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हम सबको पैदा किया। ये सूरज, चांद, तारे, खेत, खलियान, नदी, पहाड़ सब ईश्वर ने बनाए। अगर ईश्वर हमारा पिता है, ये सब उसने बनाया, तो ये सब कुछ जो भी है इस पूरी सृष्टि में वो हम सबके ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, हम सबका उसमें हिस्सा है। हम और कोई बहुत बड़ी चीज़ सरकार से नहीं मांगते, हम सिर्फ जो हमारा हिस्सा है सिर्फ उसी हिस्से की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई खेत को बटाई पर देता है तो 50% उसका प्रॉफिट आधा आधा बढ़ जाता है। कोई कार किसी को दे देता है, भाई तुम इस कार को चलाओ किराए पे, तो जो कमाई होगी वो आधा आधा। इसी तरीके से इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, सरकार, पूंजीपति, उद्योगपति सब ने मिल करके इस पूरी ज़मीन पर, कायनात पर, सब पे कब्जा कर लिया। तो वो जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो भी उसका आय हो रही है, जो भी उसमें से इनकम हो रही है, जो भी उसका आउटपुट आ रहा है, हमको उस आउटपुट में से हमारा हिस्सा चाहिए। इसलिए हमारा मूल मुद्दा है, हमारी हिस्सेदारी का हिसाब चाहिए कि हमारा हिस्सा कितना बनता है, और हम हमारे हिस्से में से ही चाहते हैं जो भी चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि वो हमें मिले कैसे। अगर हम एक सरकार से मांग करते हैं तो बाद में वो हमारी मांग मान लेती है, 4 साल बाद नई सरकार आ जाती है, वो फिर हमारी मांग खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सुधार कैसे है, जैसे डॉक्टर संजय जी ने बताया, सुधार का एक ही तरीका है, संविधान। संविधान में जो लिखा जाएगा, संविधान में जो लिखा गया है वो अमिट है, कोई भी सरकार उसको बदल नहीं सकती। इसलिए हमने ये तय किया है कि हमारा सबसे प्रमुख कार्य होगा इस संविधान को सशक्त बनाया जाए। इस संविधान में जो लिखा है उसका पालन कोई सरकार नहीं करती। आपने देखा होगा हम बैंक से लोन लेते हैं, उसकी लोन की एप्लीकेशन में बहुत बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, हम उस पर साइन कर देते हैं। बाद में कभी भी कोई गड़बड़ होती है तो हमको पता भी नहीं होता क्या साइन करा लिए, लेकिन वही चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई होती है। तो ये जो नेता लोग, ये प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये संविधान की शपथ लेते हैं, फिर ये संविधान का पालन क्यों नहीं करते, संविधान इनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता, क्या सारी जिम्मेदारी हमारी जनता की है? तो यह हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर सरकार को हम अकाउंटेबल ही नहीं बना पाएंगे, अगर सरकार इस संविधान का पालन ही नहीं करेगी, तो हम संविधान में कुछ लिख के भी क्या कर लेंगे, उसमें सुधार करके भी क्या कर लेंगे, उसमें बदलाव ला के भी क्या कर लेंगे, उसकी रक्षा करके भी क्या कर लेंगे। संविधान बनाया गया हमारी रक्षा के लिए। आज हालात ऐसे हो गए कि संविधान की रक्षा करने की बात उठानी पड़ रही है। तो इस संविधान को इतना सशक्त बनाना होगा कि हमारी रक्षा कर सके। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, हम हमारे हिस्से की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन कम से कम इस संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उतने तो हमें दिए जाएं। तो ये हमारा सबसे मूल मुद्दा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सरकार की जिम्मेदारी है संविधान का पालन करना। तो संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए, संविधान के अधिकारों में अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ। राज्य किसी भी आदमी को उसके जीवन से वंचित नहीं करेगा। हमारे जीने के लिए क्या जरूरी है, दाना, पानी, हवा, दवा, इन 4 चीज़ों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए प्रिज्म ने एक नई रेखा डिफाइन की, जीवन रेखा। ये हमारी जीवन रेखा है। अगर संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन होना है तो उसके लिए हमारी जीवन रेखा के ऊपर हर आदमी का जीवन होना चाहिए, वो जिंदा तो रहेगा कम से कम।
सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हम कल ये कर देंगे, परसों ये कर देंगे, 50 साल में ये कर देंगे, लेकिन कल सवेरे का सूरज वो देखेगा जो आज रात को जिंदा रहेगा। तो इसलिए कल सवेरे का सूरज हम तब देखेंगे जब हम आज जिंदा रहेंगे। इसलिए पहला मुद्दा ये है कि हमारा आज खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है जो संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है कि राज्य किसी को भी उसके जीवन से वंचित नहीं करेगा। मेरी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने, सबने मिलकर कब्जा कर लिया। इस सिस्टम मान लो, इस सिस्टम ने हमारे खेत खलियान जो भगवान ने बनाए उस पर कब्जा कर लिया, जंगलों पर कब्जा कर लिया, पानी हमारा, नदी हमारी, तालाब हमारा, धूप हमारी, खदान हमारी, सब कुछ हमारा ही तो है, और हमारा कब्जा करके उस पर से ये लोग कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर एहसान जताते हैं कि हमने तुमको फ्री बिजली दे दी, किसानों को सम्मान निधि दे दी। कहाँ से दे दी? कौन तुम अपने पूर्वजों के खजाने से थोड़ी लेकर आए हो? तुम जो भी दे रहे हो हमारा ही हिस्सा है, और हमारे हिस्से में से दे करके वो भी टुकड़ों की तरह देते हो और हमारे ऊपर एहसान जताते हो। पहले हम जंगलों में रह सकते थे, हवा थी, पानी पी सकते थे, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। पानी आपने अशुद्ध कर दिया, हवा आपने अशुद्ध कर दी, पानी तक हम खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जीवन रेखा के ऊपर हर आदमी का जीवन हो, ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने कहा जीवन रेखा, दाना पानी, हवा दवा, हर आदमी के कम से कम एक टाइम भरपेट खाने का इंतजाम वो सरकार को करना पड़ेगा। इलाज का इंतजाम, आपने रामायण की कहानी पढ़ी होगी कि वो वैद्य सुषेण था जिसको हनुमान लेकर आए, उन्होंने लक्ष्मण का इलाज किया, जबकि वो रावण का वैद्य था, उसने अपने दुश्मन का भी इलाज फ्री में किया। आज सरकार हमारा इलाज भी फ्री में करने को तैयार नहीं है। कोई आदमी जघन्य अपराध करता है और जेल में भर्ती है, जेल के अंदर कैद है, उसको सजा मिल गई, उसको 10 दिन बाद या 2 महीने बाद फांसी होने वाली है, क्या उसके खाने का इंतजाम सरकार नहीं करती है? क्या उसके इलाज का इंतजाम सरकार नहीं करती है? कोई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है, वो वहाँ पे बीमार हो जाता है, तो सरकार मेडिकल बोर्ड बिठा देती है एम्स का, और आम आदमी के हिस्से की जब बात आती है तो सरकार कहती है खजाना खाली है। तो सारा खजाना आपके लिए, हमारे लिए खजाना कहाँ चला गया? तो इसलिए दाना पानी हवा दवा ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर इसके अभाव में किसी की भी जान चली जाती है इसका मतलब संविधान इस अनुच्छेद का पालन करने में चूक गई, क्योंकि उसने कहा था जीवन की रक्षा करेगा। अगर इन 4 की कमी से किसी की भी जान जाती है तो सरकार को उसकी पेनल्टी देनी होगी। हम बगैर हेलमेट के सड़क पर निकल जाए तो जुर्माना, बगैर बेल्ट के निकल जाए जुर्माना, टैक्स जमा कराने में लेट हो जाए जुर्माना, कदम कदम पर करती हम पर सब सरकारें जुर्माना। अब सरकारों को भी देना होगा गैर जिम्मेदारी का हर्जाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में खरे नहीं उतरते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपने आयुष्मान योजना बनाई जिसमें 5 लाख का इलाज आप करते हो, इसका मतलब उसकी बीमारी की कीमत 5 लाख रुपए, उसकी जान बचाने की कीमत, तो उसकी जान की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि अगर दाना पानी हवा दवा के अभाव में इस जीवन रेखा का पालन नहीं करने के कारण अगर किसी भी आदमी की जान जाती है तो उसके आश्रितों को सरकार को 10 लाख रुपया का हर्जाना देना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है हमारा रोजगार का। संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 क ख ग इस सब के अंदर ही लिखा गया है कि राज्य व्यक्तियों को समुचित आजीविका की व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगा। तो राज्य क्यों नहीं सुनिश्चित करता है? बेरोजगारी के मामले में आप हाथ ऊँचा कर देते हो, फिर हम लड़ते हैं कभी आरक्षण हटाने के लिए, कभी आरक्षण बढ़ाने के लिए। कुल सरकार के पास रोजगार है ही नहीं। अगर आरक्षण 100% भी कर देंगे तो क्या फ़ायदा होने वाला है, और आरक्षण बिल्कुल भी घटा देंगे तो क्या फ़ायदा होने वाला है, जब सरकार के पास नौकरियाँ ही नहीं है, सरकार रोजगार ही नहीं देने चाहती। और अगर रोजगार दे देगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ा किसी चीज़ से? एक कहावत है टोटा का घर में रोटा की लड़ाई, कि जब अभाव होता है तो रोटी के लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर अभाव नहीं हो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा नहीं होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देने की। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी देश के सामने काम चोरी एक समस्या होती है, हमारे साथ में तो आदमी है जो काम करने को तैयार है, देश के लिए जान देने को तैयार है। सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ लाइन लगती है, भगदड़ मच जाती है। आज यूक्रेन के पास सेना की कमी है, अमेरिका के पास सेना की कमी है, रूस के पास सेना की कमी, जनसंख्या वहाँ की प्रॉब्लम हो गई। हम कहते हैं हमारे पास बेरोजगारी की समस्या है। भाई काहे की समस्या है? मैन पावर है हमारे पास। अगर हमारे पास 8 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब 16 करोड़ हाथ तैयार हैं देश में काम करने के लिए। तो ये समस्या या समाधान है? हम मेन पावर को प्रॉब्लम मान रहे हैं, हमारा नजरिया ही गलत हो रहा है। और अगर सरकार ये व्यवस्था नहीं कर सकती,
संस्कृत में कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य तस्य दुर्लभ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अक्षर नहीं जिससे मंत्र नहीं बनता है, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसकी दवाई नहीं बनती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अयोग्य है किसी काम का नहीं है, लेकिन उनको जोड़ने वाला दुर्लभ है। तो जो उसको जोड़ सकता है वही सरकार में जाए ना। आप जब संविधान की शपथ लेते हो तो मत लो शपथ जब उसमें लिखा हुआ है रोजगार देना होगा, अगर आप नहीं दे सकते तो शपथ क्यों लेते हो, फिर झूठी शपथ क्यों खाते हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो सरकार को रोजगार देना होगा, और अगर रोजगार नहीं दे सकती है तो बेरोजगारी का हर्जाना देना पड़ेगा। नरेगा की रेट के हिसाब से 15,000 रुपये महीने बनता है, तो हर व्यक्ति को 15,000 रुपये महीने का बेरोजगारी का हर्जाना सरकार को देना होगा। सरकार उसके बदले में हमसे जो चाहे वो काम करा सकती है, खड्डे खुदवा ले, नाली साफ करा ले, सफाई करा ले, सेना में लड़ने के लिए भेज दे, जो मर्जी वो काम करो, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें बेरोजगारी का हर्जाना चाहिए। भत्ता नहीं चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो हर्जाना मांग रहे हैं, वो भी हमारे हिस्से में से, हिस्सा तो पूरा ही हमारा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम कह रहे चलो बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो संविधान में लिखा है उतना तो दे दो आप। तो हमको बेरोजगारी का हर्जाना 15,000 रुपये महीने के हिसाब से हर बेरोजगार आदमी को सरकार को देना होगा, उसके बदले में सरकार जो चाहे वो काम करा सकती है। इसी तरह से शिक्षा का मामला है, संविधान की अनुच्छेद 21 का वो कहता है कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य और निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी वे व्यवस्था करेगा। तो सड़क पे 12 साल का बच्चा भीख क्यों मांग रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी। एक लड़का है जो कक्षा 5 में फेल हो गया, 10 साल का है, 12 साल का था, फेल हो गया, आपने उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। संविधान ने तो 14 साल तक की बात की थी, 12 साल के बच्चे को बाहर कैसे निकाल दिया। आपकी जिम्मेदारी थी 14 साल तक पढ़ाना, चाहे आप कक्षा 1 में ही उसको 14 साल पढ़ा देते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी 14 साल की उम्र तक बच्चे को पढ़ाना। उसके बाद RTE के तहत इस उम्र को बढ़ा के 18 साल किया गया, यानी 18 साल तक हर बच्चे को फ्री और निःशुल्क, एक्चुअल में फ्री शब्द भी गलत है क्योंकि वो चार्ज होना ही नहीं चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए जिसकी कोई फीस ही नहीं होती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 18 साल तक के बच्चों को सरकार को देना पड़ेगी, और अगर कोई भी सरकार इस काम में झुक जाती है तो उसको 1,00,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से, जैसे किसी बच्चे को 5 साल सरकार नहीं पढ़ा पाई तो उसको 5,00,000 रुपये की पेनल्टी देगी। ये हमारा शिक्षा से संबंधित सरकार की जिम्मेदारी है, या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो नहीं तो आप उसका हर्जाना दो। एक और बात है, संविधान में लिखा हुआ है वो भी ठीक, लेकिन जो सरकार खुद घोषणा करती है उसकी कोई जवाबदारी लेगा, उसकी किसकी जिम्मेदारी है। क्या ये ऐसे ही कि मन पड़े जो घोषणा करते रहो, फिर कह देते हैं चुनावी जुमला था, चलो ठीक है चुनावी जुमला था, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की हैसियत से सरकारी मंच से अगर कोई घोषणा करता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। हमारी सरकार ने घोषणा की कि 2022 तक सबको घर दे दिया जाएगा, हर आदमी के पास पक्का घर होगा, सब आदमी को मकान दे दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने घोषणा की, अधिकारी घोषणा है, प्रधानमंत्री ने की है, सरकारी मंच से की है। आज अगर कोई आदमी झुग्गी बस्ती में रह रहा है, कच्ची बस्ती है, अवैध बस्ती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, गुनाहगार कौन है, वो आदमी गुनाहगार नहीं है, अब गुनाहगार प्रधानमंत्री है, अब गुनाहगार सरकार है, आप उसको जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, आप उसको मकान दे नहीं पाए, ऊपर से उसकी झुग्गी और तोड़ देते हो। तो दोस्तों ये सरकार उसका मकान किसी से मकान को किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं कर सकती। ये सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी कि आज के बाद जब तक सरकार किसी को मकान नहीं दे देगी तब तक उसका मकान नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे कच्ची बस्ती हो, चाहे अवैध बस्ती हो, चाहे सरकारी जमीन पर कब्जा हो, किसी की भी जमीन पर कब्जा हो। जीने का अधिकार हर आदमी को अधिकार है। जो जीवन रेखा थी दाना पानी हवा दवा, तो आबो हवा ठीक तब तो होगी जब मकान होगा। इसी तरह से बिजली पानी की बात थी, सरकार कहती हमने फ्री बिजली दे दी। आप मेरे को बताइए कि एक एसी में अच्छी नींद निकालने की ज़रूरत किसको है, जो दिन भर अच्छे शोरूम में बैठ करके या बड़े ऑफिस में बैठ के चौधराहट करता है उसको, या जो कड़ा पसीना बहाकर दिन भर मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, खड्डा खोदता है उसको। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 घंटे की नींद तो उसको चाहिए। तो 8 घंटे की नींद के हिसाब से अगर एसी के हिसाब से एक एसी का भी खर्चा जोड़ा जाए तो उसके हिसाब से 500 यूनिट प्रति परिवार बनता है। तो 500 यूनिट प्रति परिवार बिजली देनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि वो गरीबी की रेखा के नीचे है तो उसको देंगे, वो अमीर है, धूप चलती है
अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ नहीं देखती, तो जो भी ईश्वर की व्यवस्था है कुछ नहीं देखता, संसाधन सारे हम जो मांग रहे हैं हमारे ही हिस्से में से मांग रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है। इसी प्रकार से सरकार ने घोषणा की कि 2022 तक किसानों को आय दोगुनी कर दी जाएगी। अब आप मेरे को बताइए कि अगर किसान की लागत आती है 100 रुपया, तो आज की तारीख में जो MSP का फॉर्मूला है वो है लागत का 1.5 गुना। तो अगर किसान की लागत 100 रुपये है तो उसकी MSP सरकार के हिसाब से होगी 150 रुपया, तो उसका मुनाफा कितना हुआ? 50 रुपया। अब अगर उसकी आय को दोगुना करना है तो इस 50 को 100 रुपये करना पड़ेगा, यानी MSP को 200 रुपये करना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि अगर किसान की आय दोगुनी करनी है तो MSP लागत की दोगुनी करनी होगी। अभी जो लागत की 1.5 गुनी MSP, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने कहा है। तो सरकार ने कहा है तो सरकार सोचे उस बात के लिए, है ना, कि वहाँ का खर्चा कैसे आएगा, क्या करेगा। लेकिन MSP लागत का 2 गुना होना चाहिए, और उसके बाद अगर MSP से कम कीमत पे किसी भी किसान को कोई फसल बेचनी पड़ती है तो जो उसका घाटा हो रहा है उस घाटे का कम से कम 60% सरकार को बियर करना चाहिए। सरकार वहन करेगी, 40% वो खुद बर्दाश्त कर लेगा। तो ये हमारे मूल मुद्दे हैं कि सरकार को बेरोजगारी का हर्जाना देना होगा। आज कोई भी समस्या आती है तो केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है, राज्य सरकार कहती है केंद्र ऐसा नहीं कर रहा है। तो हमने जितने भी मुद्दे भी आपके सामने रखे वो सारे समवर्ती सूची के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, यानी वो राज्य की भी जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है, कोई भी हाथ ऊंचा नहीं कर सकता। तो ये हर्जाना केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा मिलकर बांटे। अगर कोई पार्टी कहती है कि हम इस मुद्दे से सहमत हैं तो जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर लागू कर दे, वो 50% लागू कर दे, आधा हर्जाना वो देगी, जब केंद्र देगी, केंद्र को लगता है वो सही है तो उस पर वो दें। तो ये सारे हमारे मूल मुद्दे हैं, और हम सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते हैं कि एक तो आपको बेरोजगारी का हर्जाना, गैर जिम्मेदारी का हर्जाना देना होगा, और एक आपको हमारे हिस्से का हिसाब करना होगा। ये पता तो चले कि हमारा कितना हिस्सा बनता है और आप हमको कितना कम दे रहे हो। तो आगे से जब भी हम सरकार से बात करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं, आप 8,000 करोड़ का एरोप्लेन खरीदो या 8,00,000 करोड़ का खरीदो या पैदल घूमो, मुझे सिर्फ इस प्रश्न का जवाब चाहिए कि मुझे क्या मिला इसमें से, इस एरोप्लेन के खरीदने से मेरे हिस्से में क्या फ़ायदा मिला। आपने कश्मीर में धारा 370 की खत्म, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ये जवाब दो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। हर चीज़ में लोग कहेंगे कि आप स्वार्थ की बात करते हो। दोस्तों, हमारे ऊपर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, हमारे बच्चों का हक है, हमारे जीवन साथी का हक है, हमारे माँ बाप का हक है, हमारे दोस्तों का हक है, समाज का हक है, रिश्तेदारों का हक है। अगर हम अपना हक छोड़ देते हैं, अगर हम अपना हिस्सा छोड़ देते हैं तो कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं जो उन लोगों के ऊपर जो हमारे ऊपर आश्रित हैं। इसलिए अगर हम हमारे हिस्से की बात कर रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये हम न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं। अन्याय को बर्दाश्त करना भी अन्याय करना ही है। इसलिए हमें सरकार से सिर्फ दो ही सवाल करने हैं, नेताओं से, पार्टियों से, सभी लोगों से सिर्फ दो ही सवाल, मेरे हिस्से में क्या आया, मेरा हिस्सा किसने खाया। ये हमारा स्लोगन होगा आज से, सब मेरे साथ इसको दोहराएंगे, मेरे हिस्से में क्या आया, मेरा हिस्सा किसने खाया। दोहराइए सभी, मेरे हिस्से में क्या आया, मेरा हिस्से में क्या आया। सिर्फ यही प्रश्न है कि मेरे हिस्से में क्या आया और मेरा हिस्सा क्या खाया, किसने खाया। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।